दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरियड्स लेट क्यों होते हैं, उसका कारण दोस्तों क्या होता है। पीरियड्स को हम मासिक धर्म महावारी के नाम से दोस्तों जानते हैं। पीरियड्स संबंधी अनियमितता महिलाओं में दोस्तों एक आम समस्या होती है। पीरियड लेट होना, जल्दी आना या फिर पीरियड मिस होना या फिर बंद हो जाना, इसके कई कारण होते हैं। पीरियड ना आने पर मिस होने की स्थिति में महिलाओं के मन में सबसे पहले प्रेगनेंसी का ख्याल आता है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीरियड्स लेट क्यों होते हैं, उसका कारण दोस्तों क्या होता है। दोस्तों एक सामान्य वुमन या गर्ल का मासिक धर्म 28 दिन का होता है, पर यह जरूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसा हो। कुछ महिलाओं का मासिक चक्र जो होता है वो 18 से 35 दिनों तक का भी होता है। तो चलिए जान लेते हैं पीरियड लेट या मिस होने के क्या कारण हो सकते हैं। नंबर वन है दोस्तों, अगर आपके हाल ही में पीरियड शुरू हुए हैं तो आपको मासिक धर्म में देरी हो सकती है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ गर्ल्स को शुरू शुरू में अनियमित मासिक धर्म की समस्या होती है, लेकिन दोस्तों वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, पीरियड्स डिले होने का एक कारण जो होता है वह ये होता है कि वजन बढ़ता है। वजन बढ़ना भी इसका कारण होता है। मोटापा बढ़ने के कारण शरीर में हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे पीरियड न आना या फिर लेट होना जैसी समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी डाइट को अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, योगा इत्यादि करें, तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है और आपको ये समस्या दोस्तों नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका विपरीत ही कुछ महिलाएं अपना वजन कम करने के लिए तेजी से वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग करती है। अगर आप सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी को जरूरी पोषक तत्व दोस्तों नहीं मिल पाते हैं, जिससे हम ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। जरूरी पोषक तत्व न मिलने पर मासिक धर्म पर दोस्तों बुरा असर पड़ता है, जिससे पीरियड लेट या मिस होने की दोस्तों संभावना रहती है। अगर आपका वजन दोस्तों सामान्य से कम होता है तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ महिलाओं और लड़कियों का शरीर काफी दुबला पतला होता है, जिससे उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन नहीं बनता है, जिस कारण माहवारी में अनियमितता होती है। आप अपना वजन बढ़ाकर अपनी पीरियड्स की समस्या को दोस्तों दूर कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स, दूध इत्यादि का सेवन करके शरीर में वजन बढ़ा सकते हैं और आपकी ये समस्या दोस्तों दूर हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, कई लड़कियां अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करती है। ऐसी स्थिति में लड़कियों में पीरियड्स लेट या मिस होने की दोस्तों संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों कुछ महिलाओं के तो पीरियड पूरे साल तक बंद रहते हैं, ऐसा जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज या काम करने से दोस्तों होता है। नेक्स्ट दोस्तों, थायराइड रोग के कारण भी मासिक चक्र प्रभावित होता है दोस्तों, जिस वजह से दोस्तों आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तो समय समय पर आप इसकी जांच कराएं, इसे ठीक करने के लिए दोस्तों इलाज करें, इससे भी पीरियड में अनियमितता दोस्तों बनती है। अगर दोस्तों आप किसी शारीरिक रोग के शिकार हैं, लंबे समय तक आपका इलाज चलता है तो आपको मेडिसिन्स भी खानी पड़ती है, ऐसे में पीरियड्स देरी से आने की दोस्तों समस्या हो सकती है। एक बार आप जिस भी रोग का इलाज करवा रहे हैं उसका इलाज अगर हो जाता है तो उसके बाद ये नॉर्मल दोस्तों हो जाता है। और आखिरी दोस्तों, अचानक से आपकी दिनचर्या में अगर बदलाव हो जाता है तो मासिक धर्म इससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि कुछ कामकाजी महिलाओं को रात की ड्यूटी करनी पड़ती है तो उनके सोने का समय बदल जाता है, जागने का बदल जाता है और दूसरे काम करने का समय भी दोस्तों बदल जाता है। इसके अलावा परीक्षा की जैसे तैयारी करनी है, सोने जागने का समय चेंज हो जाता है, तो उससे भी मासिक धर्म पर असर पड़ता है दोस्तों, उससे भी जल्दी या लेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि पीरियड्स लेट आने के सामान्य क्या कारण होते हैं। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।